फ्रेंड्स ये है आपकी सेकंड टाइप सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। फ्रेंड्स आपको इस तरह का एग्जाम में आया होगा, सबसे पहले आपने जहां से कोड ढूंढने हैं, फिर अगर इस टाइप का आया तो आपको 5 क्वेश्चन आएंगे इसके, उनके आंसर आपने बताने हैं। तो पहले आपने जहां से कोड ढूंढने हैं फिर आंसर बताने हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसे आप फर्स्ट स्टेटमेंट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए और फोर्थ। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। कंपेयरिंग फर्स्ट और सेकंड किया तो इन दोनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स? मोर कॉस्ट एंड करप्शन, मार्केट एंड करप्शन इश्यू। तो फ्रेंड्स कॉमन है जहां पे एंड करप्शन, एंड करप्शन, एंड और करप्शन जहां पे कॉमन है, यानी कि एंड और करप्शन कॉमन है जहां पे, और इनका कोड भी कॉमन होगा यहां पे। जहां पे कॉमन है मी और फ्रेंड्स सो, सो मी, सो मी। फ्रेंड्स एंड करप्शन का कोड है सो मी, लेकिन फ्रेंड्स हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है कि एंड का सो है या मी है, सेम करप्शन का सो है या मी है। चलिए नेक्स्ट कंपेयर करते हैं, फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करते हैं। एंड और करप्शन का निकल गया है, और मोर कॉस्ट एंड करप्शन एक्यूरेट बट नो कॉस्ट। तो फ्रेंड्स जहां पे कॉमन है कॉस्ट और कॉस्ट, तो फ्रेंड्स सो और मी का कोड निकल गया है, जहां पे है फी का और जहां पे है का फी नहीं है, जहां यानी जहां से आपका कोड निकल गया कॉस्ट का, कॉस्ट का कोड निकल गया जहां से का। अब बचा फी, लेकिन जहां पे बचा मोर तो सीधा सीधा मोर का कोड आपको पता चल गया फी। फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन के सभी कोड आपको मिल गए। नेक्स्ट देखिए बचा है मार्केट इश्यू। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। मार्केट इश्यू थर्ड में ना मार्केट है ना इश्यू है, तो फ्रेंड्स सेकंड का अब फोर्थ के साथ करिए। मार्केट इश्यू जहां पे इश्यू का कोड मिल रहा है, तो सेम एंड और करप्शन का सो मी निकल गया है यू और ला में से, जहां पे क्या है यू। तो फ्रेंड्स जहां से आपका कोड निकल गया इश्यू का, इश्यू का कोड निकल गया यू, यू निकल गया इश्यू का, बचा है पीछे ला, तो जहां पे बचा है मार्केट, तो जहां से मार्केट का भी निकल गया फ्रेंड, मार्केट का कोड होगा ला। सेम फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है? एक्यूरेट बट नो कॉस्ट, कॉस्ट का निकल गया है जहां से इश्यू का निकल गया है, तो एक्यूरेट बट नो, तो बट एक्यूरेट ओनली, यानी कि एक्यूरेट और बट का कोड जहां से आपको मिलेगा। तो कॉस्ट का निकल गया है का निकल गया है रू, डी बी में क्या कॉमन है फ्रेंड्स? डीबी, डीबी कॉमन है किसका? एक्यूरेट और बट का, एक्यूरेट और बट का कोड है डी वी, डी वी। सेम फ्रेंड एक्यूरेट और बट का भी हमें एंड और करप्शन की तरह एग्जैक्ट कोड पता नहीं है, तो फ्रेंड्स बचा हुआ जहां पे नो, तो नो का कोड भी एक ही बचा है रू। सेम फ्रेंड्स जहां पे बच गया ओनली, ओनली का कोड भी जहां पे बच गया गी, जी आई। फ्रेंड्स ये आपके निकल गए जहां से कोड। तो फ्रेंड्स अब आपको 5 क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। सबसे पहले वो पूछेगा फाइंड द कोड ऑफ एंड, तो फ्रेंड एंड का कोड आपने बताना है, तो आपका आंसर होगा एंड के कोड के लिए सीधा सीधा सी एंड डी, सी एंड डी यानी कि कांट बी डिटरमाइन। हम आंसर नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि एंड का कोड सो है या मी है, लेकिन इतना जरूर पता है जहां सो है या मी है, अगर सी एंड डी ऑप्शन नहीं होगा तो आपका ऑप्शन होगा आइदर सो आर मी। तो फ्रेंड्स एंड का आपको इन दोनों में जो भी ऑप्शन मिलेगा वही होगा आपका राइट आंसर। सेम फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकता है फाइंड द कोड ऑफ कास्ट, कास्ट का कोड आपको आपके पास सीधा सीधा है का। सेम मोर का, इश्यू का, मार्केट का, फ्रेंड्स जहां से कोड आएगा आपको एक्यूरेट और बट का, एक्यूरेट और बट में से किसी एक का, जैसे बट का आ गया तो सेम हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है डी और बी, तो सेम आंसर होगा सी एंड डी या फिर आइदर डी आर बी।
तो सेम फ्रेंड नो का कोड जहां से आप कर लोगे, सबसे मेन है फ्रेंड अगर आपने कोड निकालिए तो आंसर आपके निकल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स इसकी एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूं, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में इस टाइप का आता है। सेम फ्रेंड्स आपको दिया है हर आइडिया हैज मेरिट, इसका कोड दिया है फा लू बा मा। सेम मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड, तो गो ही लू सी मा। हर नेम डिस्प्लेड देयर, इसका दिया है या सी वा यू। सेम फ्रेंड नेम इन मेरिट लिस्ट, इसका दिया है मा या यो ही। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सेम फर्स्ट टू को कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट टू में कॉमन क्या है, हर आइडिया हैज मेरिट, मेरिट कॉमन है, लिस्ट हैज कॉमन है, मेरिट और हैज ही है कॉमन, तो जहां पर भी कॉमन होगा। लू कॉमन है और फ्रेंड्स मा कॉमन है, तो हैज मेरिट का जहां से कोड निकल गया, लू मा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट और थर्ड का हर आइडिया बचा है इसमें, हर आइडिया तो हर का निकल गया यहां से फ्रेंड्स, हैज मेरिट का लू मा निकला, लू मा तो फा और बा बचा है, तो इसमें फा और बा में बा ही है, तो जहां से कोड हर का निकल गया बा, और जहां पे बचा है आइडिया, तो आइडिया का कोड भी जहां पे बचा है फा। नेक्स्ट फ्रेंड्स फर्स्ट का पूरा निकल गया कोड, नेक्स्ट देखिए बचा है लिस्ट हैज लिस्ट बीन डिस्प्लेड, तो लिस्ट बीन डिस्प्लेड, सिर्फ डिस्प्लेड ही है कॉमन, तो सेकंड में फ्रेंड्स हैज मेरिट का ऑलरेडी निकल गया, हैज मेरिट लूमा, लूमा निकल गया। अब सेकंड और थर्ड में है डिस्प्लेड, तो सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या बचा है, गो, गो नहीं है, ही सी, तो फ्रेंड्स सी है कॉमन, तो जहां से डिस्प्लेड का कोड निकल गया सी। सेम फ्रेंड्स जहां पे बचा है लिस्ट बीन, तो फर्स्ट और लास्ट को देखिए, लिस्ट बीन, लिस्ट लिस्ट है फ्रेंड्स, तो जहां से लिस्ट का भी कोड निकल जाएगा, जहां पे बचा है गोर ही, तो जहां पे गोर ही में से ही है, तो ही आपका निकल गया लिस्ट का कोड, लिस्ट का कोड है ही। सेम फ्रेंड्स बचा है जहां पे गो, तो गो किसका कोड होगा, यहां पे बचा है बीन, तो बीन का सीधा सीधा कोड गो आ गया। अब फ्रेंड्स लास्ट दो बचे हैं, लास्ट दो में नेम देयर नेम इन मेरिट, तो फ्रेंड्स नेम कॉमन है दोनों में, तो जहां पे बचा हुआ कोड या और जो है, तो यानी कि या है दोनों में, नेम का कोड आ गया या। फ्रेंड्स बचा है यो और जहां पे बचा है देयर, तो जहां से देयर का कोड भी निकल गया यो। अब जहां पे बचा है इन मेरिट, तो इन मेरिट जहां पे बचा है कोड माँ और यो का, तो फ्रेंड्स हमें ये डेफिनेटली नहीं पता इनका कोड क्या है, मेरिट का क्या है, सेम जैसे हैज मेरिट का था, तो फ्रेंड्स जहां से मेरिट इन, तो मेरिट का और इन का भी कोड अलग अलग बन जाएगा। सेम फ्रेंड्स जहां पे बन रहा है इन और मेरिट, पहले इन और मेरिट का निकाल लो, इन और मेरिट का कोड बचा है माँ और ही। अब फ्रेंड्स निकले हुए कोड, सॉरी फ्रेंड्स माँ और यो, अब फ्रेंड्स निकले हुए कोड में भी हम कॉमन देख सकते हैं, जहां पे था हैज मैरिट, जहां पे है इन मैरिट, जहां पे मैरिट मैरिट कॉमन है, और जहां पे है लू मा, जहां पे है मा जो, तो यानी कि मैरिट का सीधा सीधा जहां से निकल गया मा, और ये दोनों भी हैज का यहां से निकल जाएगा, फिर मैरिट कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो हैज का कोड बन गया लू, सेम मेरिट का मां आ गया, तो जहां से मेरिट का कट हो जाएगा सेम डिफरेंस, जहां से इन का भी आपका कोड निकल गया जो। तो फ्रेंड्स यहीं से अब किसी का भी कोड पूछेगा तो आप सीधा सीधा आंसर दे दोगे। ये था फ्रेंड्स आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। अब हम करेंगे फाइनल टाइप कंडीशनल कोडिंग। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं कंडीशनल कोडिंग पे।